नमस्कार, मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा और आज हमारी खास कार्यक्रम छोटी सी मुलाकात में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं डॉक्टर प्रतीक तिवारी से। डॉक्टर प्रतीक हैं और जवाहरलाल हॉस्पिटल भोपाल में एचओडी यानी कि हेड ऑफ दी डिपार्टमेंट हैं। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम ही सुनते जहन में बहुत सारे मानसिक तनाव पैदा होते हैं तो बहुत सारा डर भी पैदा होता है। कैंसर के लगातार जो रोगी हैं वो क्यों बढ़ रहे हैं? मध्य प्रदेश में भी बढ़ रहे हैं तो देश में भी बढ़ रहे हैं। आईसीएमआर की रिपोर्ट देखें तो एक चौंकाने वाली रिपोर्ट है। इन सब मुद्दों पर हम बात करेंगे डॉक्टर प्रतीक तिवारी से। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। नमस्ते। सबसे पहले यही सवाल कि आखिर कैंसर जैसी घातक बीमारी, पिछले 2 वर्षों में हम यदि एक टेंटेटिव आइडिया देखें तो पेशेंट लगातार बढ़ रहे हैं, क्या कारण है? नहीं, कैंसर जो बीमारी है ये पहले भी थी और अभी भी है और आगे बढ़ भी रही है। आपका कहना सही है, पहले चूंकि सुविधाएं नहीं थी और लोग इसको डायग्नोस नहीं कर पाते थे, आजकल बेहतर सुविधाएं अवेलेबल हैं पेरिफेरी में तो लोग पकड़ सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं। तो एक कारण तो ये है कि बेटर डायग्नोस्टिक के कारण हम ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स को डायग्नोस कर पा रहे हैं, दूसरा हम उनको रिपोर्ट कर पा रहे हैं। आप जैसे आईसीएमआर, आपका आपने बताया हमें, तो आईसीएमआर तभी काम करता है जब आप किसी रजिस्ट्री के थ्रू उसको रजिस्टर करेंगे कि ये केस है, तो ज़्यादा से ज़्यादा केस रजिस्टर हो रहे हैं, रजिस्ट्रीज प्रॉपर काम कर रही हैं, तो हमें ये चीज़ दिख रही है कि कैंसर जो है एक बहुत बड़ी महामारी के तौर पर आ रही है। पहले हमारे देश में हार्ट एंड डायबिटीज की जो क्रॉनिक डिजीजेस थी वो ज्यादा कॉमन थी, आज कैंसर ऐसा दिख रहा है कि इनको ओवरलैप करके इनसे भी आगे बढ़ने वाला है। तो डेफिनेटली कैंसर के पेशेंट्स बढ़ भी रहे हैं, ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं और ऐसा अंदाजा है कि करीब 20 से 25 लाख कैंसर के पेशेंट्स हर साल डायग्नोस होते हैं। बिल्कुल सर, कैंसर जैसी घातक बीमारी पहले ये लाइलाज बीमारी मानी जाती थी, जैसे किसी को यदि सिम्टम्स भी पता चले या पता चला कि ये बीमारी है तो वो एक अमूमन एक मनोदशा बना लेता था व्यक्ति की, अब लाइलाज बीमारी है, इसका इलाज नहीं है। धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, इलाज इसका आया, तो अब क्या लगता है किस स्टेज पर है सर इलाज की? वास्तव में ये अभी भी लाइलाज की स्थिति में है कि अब इसका इलाज पॉसिबल है? नहीं, ये लाइलाज बीमारी नहीं है, इसका इलाज संभव है। आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर आप अर्ली स्टेज में आते हैं, मतलब कि शुरुआती लक्षणों के साथ आते हैं और शुरुआती स्टेज में इसको पकड़ा जाता है तो इसको पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है, जिसके परसेंटेज 99% है। पर अगर आप एडवांस स्टेज में आते हैं, मतलब थर्ड या फोर्थ स्टेज में आते हैं, तब इसको कंट्रोल किया जा सकता है, इसको पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता, और कंट्रोल भी अच्छा कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे कि आप डायबिटीज या हाइपरटेंशन है, इसको आप कंट्रोल करके इसके साथ जीते हैं, वैसे ही आप अगर आप एडवांस स्टेज में आते हैं तो उसको कंट्रोल करके आप उसके साथ जी सकते हो, एक अच्छा जीवन निकाल सकते हो। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये लाइलाज है, कुछ हद तक इसको इलाज दिया जा सकता है, पर अगर एडवांस स्टेज में अगर आप आते हो तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं काफी समय तक, तो वह एक अच्छा आपको लाइफ दे सकती है। डायग्नोस की हम बात करें सर, तो पहले इसके डायग्नोस बिल्कुल थोड़ा सीमित थे लेकिन धीरे धीरे इसमें इम्प्लीमेंट हो रहा है, विस्तार हो रहा है, तो डायग्नोस की स्टेज क्या होनी चाहिए कि जिससे कि पहले कीमोथेरेपी ही एक ऐसा इलाज माना जाता था कि इसमें वही एक कारगर इलाज है, लेकिन अब धीरे धीरे बदल रहा है, तो अब क्या नई तकनीक आई है सर? डेफिनेटली इसमें देखिए, कैंसर जो है, कैंसर के जो इलाज में सबसे ज्यादा रिसर्च हो रही है एंड सबसे ज्यादा नई चीजें जो आई हैं आज के जमाने में वो कैंसर के इलाज में ही आई है। अगर हम दूसरी चीजें छोड़ दें तो हर क्षेत्र में कैंसर के डायग्नोसिस से लेके सर्जरी, रेडिएशन एंड इवन कीमोथेरेपी में नई नई चीजें आई हैं, नई दवाइयां आई हैं, नए तरह की सर्जरीज स्टार्ट हुई हैं, नए तरह का रेडिएशन चालू हुआ है। इन सब के कारण डेफिनेटली डायग्नोसिस और इलाज में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट आया है। पिछली अगर हम कंपैरिजन करें कि 10 साल पहले जिस चीज को हम केवल 40% ठीक कर पाते थे, आज की डेट में हम उसको 60 से 70% हद तक ठीक किया जा सकता है इन नई चीजों के कारण। तो हर चीज में डेवलपमेंट हुआ है, केवल डायग्नोसिस में नहीं, हर क्षेत्र में, हर विधा में।
कीमोथेरेपी की हम बात करें सर, तो कीमोथेरेपी में लोगों में एक डर रहता है कि कीमोथेरेपी में जहां कैंसर हो या जिस जो पार्ट कैंसर से इफेक्टिव हो उसको जलाया जाता है या ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं कि बहुत ज्यादा तकलीफ देह होती है, वो बॉडी में पेन होता है, कई तरह की भ्रांतियां हैं। ये भ्रांतियां हैं या वास्तव में ऐसा होता है? नहीं, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, भ्रांति ही है ये। शुरुआत से हम बात करते हैं, सबसे कॉमन भ्रांति जो होती है कि अगर कोई ग्रोथ आ रही है तो हम उसकी बायोप्सी नहीं करवाएंगे, बायोप्सी नहीं करवाएंगे क्योंकि अगर हमने उसको छेड़ा तो वो फैलने लगेगा, ये सबसे बड़ी भ्रांति है। इसके कारण कई पेशेंट रिफ्यूज कर देते हैं। तो सबसे कॉमन चीज मैं कहना चाहूंगा, ऐसा नहीं होता है कि किसी चीज की बायोप्सी करने से वो बढ़ने लगता है, ये आपका सोचना गलत है। और बिना बायोप्सी के कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट भी नहीं कर पाएगा, किसी भी गांठ का कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कर पाएगा जब तक हम पता नहीं कर पाएंगे कि वो कैंसर है कि नहीं है। ये सबसे बड़ी भ्रांति है। सेकंड, जो दूसरी भ्रांति लोग कहते हैं कि कीमोथेरेपी, रेडिएशन और सर्जरी, चीर फाड़ करने से या फिर कीमोथेरेपी देने से या रेडिएशन से जला देने से शरीर को नुकसान होता है, तो ये एक इलाज का तरीका है। अगर आप इलाज नहीं करवाएंगे तो आप उस बीमारी को ठीक नहीं कर सकते हैं। इससे कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन आज की डेट में वो साइड इफेक्ट्स कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत आराम से उसको कंट्रोल किया जा सकता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आजकल नई नई दवाइयां अवेलेबल हैं जो कि कम साइड इफेक्ट्स प्रोड्यूस करती हैं और ज्यादा से ज्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, तो इन सब चीजों के कारण हमने काफी हद तक इनके साइड इफेक्ट्स कंट्रोल कर लिए गए हैं। नई सर्जरी से आप ऑर्गन प्रिजर्व कर सकते हो, पूरा ऑर्गन निकालने की जरूरत नहीं होती है, आप काफी हद तक कॉस्मेटिकली एंड फंक्शनली ऑर्गन को बचा सकते हो। रेडिएशन की कई टेक्निक्स हैं जिससे पूरे भाग को नहीं जलाया जाता, केवल ट्यूमर जितने साइड पे है उतने एरिया जलाया जाता है, तो उससे भी साइड इफेक्ट जो होते हैं वो 90% तक कम हो जाते हैं। तो इन सब चीजों के कारण आज की डेट में हम ये कह सकते हैं कि जो पुरानी चीजें चलती आ रही हैं वो काफी हद तक बदल चुकी हैं। डॉक्टर साहब, एक बात और कि कैसे फाइंड आउट करें, जैसे आपने कहा कि मैक्सिमम पेशेंट फोर्थ और थर्ड स्टेज पर आते हैं जब आप ओपीडी में रहते हैं, लेकिन ये फर्स्ट और सेकंड स्टेज कैसे आइडेंटिफाई करें लोग, क्या सिम्टम्स ऐसे होते हैं जिनको प्राइमरी तौर पर लोग नोटिस करें तो वास्तव में इस बीमारी से गंभीर होने से बचा जा सकता है? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो मैंने देखी है, जो अपनी प्रैक्टिस में देखी है, इतने सालों से मैं यहाँ पे कैंसर हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ और हमारे पास हजारों पेशेंट आते हैं, ऑलमोस्ट 10,000 पेशेंट्स पर ईयर का रजिस्ट्रेशन है, तो सबसे कॉमन चीज जो मैंने देखी है वो ये है कि लोगों का इग्नोरेंस, कोई अगर शुरुआती कोई लक्षण आया है तो वो उसको इग्नोर करते हैं, क्योंकि जैसे छाला आया, मुंह में छाले आया, वो उसको इग्नोर कर रहे हैं कि छाला है वो ठीक हो जाएगा, ऐसे 6 महीने, 7 महीने, 1 साल निकाल देते हैं और अल्टीमेटली जब वो बढ़ जाती है चीज तब वो आते हैं। तो लोगों का इग्नोरेंस सबसे बड़ी चीज है। ब्रेस्ट में गठान आई, इग्नोर करी है, फीमेल दिखाती नहीं है, लोगों को बताती नहीं है, प्रॉपर परामर्श नहीं लेती है, वो अल्टीमेटली बढ़ जाती है और फिर उसके बाद वो आती है। इग्नोरेंस, लैक ऑफ अवेयरनेस, ये सबसे कॉमन चीजें हैं जिसके कारण बढ़ता है। सेकेंड, आसपास किसी का उतना अच्छा परामर्श नहीं देता। मान लीजिए अगर वो पहुंच भी गया किसी हॉस्पिटल में या फिर किसी डॉक्टर के या किसी पेरिफेरल प्रैक्टिशनर के पास, अधिकतर हमारे यहाँ क्वैक्स होते हैं पेरिफेरल एरिया में, जैसे गांव के एरिया में, वो लोग नहीं पकड़ पाते उस चीज को, या फिर वो उसको कोई और डायग्नोसिस करके, मिस डायग्नोसिस करके रॉन्ग ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, उसके कारण भी चीजें बढ़ जाती हैं। तो ये दो बहुत बड़े कारण हैं जिसके कारण लोग एडवांस स्टेज में हमारे पास आते हैं। तो लैक ऑफ अवेयरनेस, इलिटरेसी, उसको इग्नोर करना, और दूसरा रॉन्ग डायग्नोसिस, ये बहुत बड़े कारण है। गठान जैसे आपने बोला, ब्रेस्ट कैंसर बोला या मुंह में छाला बोला, ये तो आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि चलिए ये लंबे समय से हैं। और ऐसे क्या कैंसर के जो कॉजेज हैं, या आप जैसे क्लासिफाइड करते हैं कैंसर को, तो आंत का भी कैंसर होता है, पेट का भी कैंसर होता है, और भी बहुत सारे ऐसे कैंसर होते हैं, ब्लड कैंसर होता है, इनको सर आइडेंटिफाई करने के लिए क्या कैसे करे व्यक्ति, क्योंकि अमूमन ऐसा होता नहीं है कि जैसे आप देखें कि साधारण यदि हमें कमजोरी भी है, वीकनेस है, तो हम इस स्टेज पे नहीं आएंगे या इधर दिमाग नहीं लगाएंगे कि हमें कैंसर हो सकता है, ऐसे कारण कैसे फाइंड आउट। वही मैं कह रहा हूँ कि देखिए, हर कैंसर का अपना एक लक्षण होता है। हर जैसे ब्रेस्ट है तो ब्रेस्ट में एक गठान, एक लक्षण है। ओरल कैंसर का छाला है, एक लक्षण।
ब्लड कैंसर का ब्लड काउंट्स कम हो जाना, हीमोग्लोबिन कम हो जाना, प्लेटलेट्स कम हो जाना, तो उसके लिए आपको एक डायग्नोस एक टेस्ट करवाना पड़ेगा ब्लड काउंट का, चेक करने के लिए कि ब्लड में क्या हो रहा है। आंत का कैंसर है तो आंत में आपको एब्डोमिनल सिम्टम्स आएंगे, जैसे कि ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स, पेट में दर्द होना, कुछ खाने से पेट फूल जाना, या फिर लैट्रिन में आपका ब्लड आना, ये सारे कॉमन सिम्टम्स हैं। तो वही मैं कह रहा हूं कि जब इन सब सिम्टम्स के बाद पेशेंट प्राइमरी हेल्थ केयर के पास पहुंचता है, प्राइमरी हेल्थ केयर यूजुअली जो होते हैं जनरल प्रैक्टिशनर होते हैं या फिर क्रैक्स होते हैं पेरिफेरल एरिया में, वो उनको ये चीज पकड़ना चाहिए सही समय पे। अब जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट आपके पास आता है कि हमारे लैट्रिन में खून आ रहा है, यूजुअली वो बवासीर का इलाज चालू कर देते हैं कि भाई वो उसको इवेल्युएट नहीं करते प्रॉपर, तो वहां पे चीज डिस्टर्ब हो जाती है कि आप एक रॉन्ग साइड में चले जाते हो, और जब तक आप पता कर पाते हो कि एक्चुअली हुआ क्या है तब तक वो चीज हाथ से निकल चुकी होती है। इसके और क्या ऐसे लक्षण जो आप, चूंकि आप तो ओपीडी में पेशेंटों को देखते हैं, और क्या ऐसे लक्षण हो सकते हैं सर जिनको लगता है कि इनको थोड़ा सा भी ये समझ में आए तो सीधे डॉक्टर से ही परामर्श लें और इसी दिशा में थोड़ा प्रयास करें कि ऐसे ही टेस्ट हो? उसका देखिए क्या है, हर कैंसर का अलग लक्षण होता है, कोई एक लक्षण को हम कॉमन नहीं कह सकते हैं कि अगर ये लक्षण है तो आपको कैंसर है। हर लक्षण का एक कारण होता है। बस मेरा सुझाव ये रहेगा कि अगर आप कहीं पे जाते हैं या किसी आपको कोई प्रॉब्लम है, सबसे पहले तो आप उसको किसी प्रॉपर डॉक्टर को दिखाइए, एक जनरल मेडिसिन वाला या सर्जन को उससे परामर्श लीजिए। अगर ट्रीटमेंट के बाद भी, कुछ समय के ट्रीटमेंट के बाद भी आपको लगता है कि उस चीज में कोई सुधार नहीं हो रहा है, तो आपको किसी अच्छे कैंसर रोग विशेषज्ञ से या अच्छे कैंसर अस्पताल में दिखाना चाहिए। बिल्कुल दिखाना चाहिए। मैक्सिमम कॉज माने जाते हैं कि कोई तंबाकू यूज करता है, कोई एल्कोहलिक है, ये मैक्सिमम कॉज, बीड़ी, सिगरेट, ये सब चीजें समझ में आती हैं कि ये कैंसर के कारण हो सकते हैं। लेकिन सर ऐसे भी कई पेशेंट्स होते हैं जो इन सब चीजों से बहुत दूर रहते हैं फिर भी वो कैंसर से अफेक्टेड होते हैं, तो ये कैसे होता है? देखिए क्या है, जैसे आपने बोला तंबाकू या सिगरेट या शराब, ये सब कैंसर से एसोसिएटेड हैं, इनको हम रिस्क फैक्टर कहते हैं। रिस्क फैक्टर मतलब कि अगर आप ये सब चीजें करते हैं तो इनसे आपको कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, पर ये नहीं कहा जा सकता कि अगर आप ये करते हो तो कैंसर आपको होगा ही। सेकंड, इसका वाइसी वर्सा भी चीज ठीक है कि अगर आपको आप अगर ये सब चीजें नहीं करते हो तो आपको इसके चांसेस कम हो जाएंगे, बट वो चांसेस शून्य नहीं होंगे, मतलब उसके बाद भी आपको कैंसर होने हो सकता है। ये एक रिस्क फैक्टर है, अगर आप ज्यादा करते हो तो आपके रिस्क बढ़ जाते हैं। अनियमित दिनचर्या भी इसका एक कोई कारण हो सकता है क्या सर? अनियमित दिनचर्या नहीं, आपका जो आज का जो लाइफस्टाइल है वो उसको काफी हद तक कुछ कैंसर्स के कारण के रिस्क फैक्टर में गिना गया है, जैसे कि कोलोन कैंसर हो गया या स्टमक कैंसर हो गया। इन ये सब चीजें जो होती हैं ये लाइफस्टाइल से रिलेटेड हैं, जैसे कि आजकल ओबेसिटी है, खान पान है आज।